कि 15 दिन के बाद हमारा माइक तो खुला। अब आप पढ़िए, आप इसका पढ़िए। माइक चालू है आपका, धन्यवाद। माइक चालू है, चालू से तो पढ़िए, पढ़िए जो लिखा हुआ है, जो लिखा है पढ़िए, माननीय वो। अरे जो लिखा पढ़ो ना। नहीं नहीं, मैं आपके दूसरा नहीं पढ़ूंगा, मानो आप मास्टर हो ना। अरे पढ़ना पढ़ना नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। दूसरा नहीं पढ़ूंगा तो पढ़िए, क्योंकि आप दूसरा पढ़ नहीं देते हो। पढ़िए। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया था कार्य संचालन के विषय उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अंदर सूचना। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पानी की भारी किल्लत है और गाँव में कुएं सूख गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कुएं भी मंजूर किए गए थे, किंतु उक्त स्वीकृत कुएं आज दिनांक तक नहीं खोदे गए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कुओं का ऊपर सरकार ने स्थगन आदेश कर दिया था, स्थगन आदेश कर दिया गया था। कुओं का टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी, पानी आज तक दिनांक तक दराज पर नहीं आया है। टेंडर प्रक्रिया करवाने के बाद भी वर्तमान में सरकार के वादों को खिलाफी हो रही है। समस्त राजस्थान प्रदेश कुओं का शिफ्ट योजना में चालू करवाया जाएगा, किंतु 6 माह तक दीर्घ समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आज तक भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सूरजगढ़ विधानसभा की जनता प्यास में त्रस्त है, अगर पानी की किल्लत का समाधान नहीं हुआ तो जनता आंदोलन कर सकती है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार का ध्यान, ये इसमें लिखा है, आप लिखा मेरा इस सदन में आगे पढ़िए, इसको पूरा पढ़ो। मेरा आप पूरा पढ़ते नहीं, पूरा जो पढ़ा है वो पढ़ो। हाँ, मैं सामने मैं ये परीक्षा ही ले रहा था। मेरा इस सदन से माध्यम से सरकार का निवेदन है कि जनहित की उच्च कार्यों का शीघ्र तक पूरा करें, करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मान्य अध्यक्ष महोदय, श्री कालीचरण सराफ। मान्य पर्चिया हो गई आपका 295 में बोला नहीं जाता। बैठिए श्री कालीचरण सराफ, बोलिए, बैठिए, बैठिए। 295 हो गया आपका, हो गया।